क्लास 8th चैप्टर 11 यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग अ टेबल। ये आपका चैप्टर HTML का है। इससे पहले मैंने चैप्टर 10 एक्सप्लेन किया था HTML। जिन लोगों ने चैप्टर 10 नहीं देखा है वो चैप्टर 10 का वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके बाद इस चैप्टर को समझें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुलेट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ प्रिसाइज मैनर। HTML सपोर्ट्स वेरियस एलिमेंट्स टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फॉर डिस्प्लेइंग आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बुलेट्स और नंबर्स HTML में एक ये लिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट आपकी बुलेट्स होती हैं, जैसे स्टार हैश ये आपकी होती हैं, और ऑर्डर लिस्ट में हम 1 2 3 ABCD स्मॉल कैपिटल हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं अनऑर्डर लिस्ट की। इसकी टैग UL होती है। एन अनऑर्डर लिस्ट इंडेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स एज बुलेट अगेंस्ट ईच टाइम। इसमें और ये आपका कंटेनर टैग होता है UL। तो इसमें हम UL के अंडर में बात करते हैं। लिस्ट LI टैग होती है इसकी, लिस्ट, और इसका एक प्रोग्राम होता है, आप देखिए प्रोग्राम। HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी कलर दिया हुआ है, लेफ्ट मार्जिन दिया हुआ है आपका। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फॉन्ट साइज 6 कलर वाइट। इसके बाद मैंने UL स्टार्ट किया, UL में मैंने LI में डेडिकेशन, और ये मैंने 1 2 3 4 5 ये मैंने लिस्ट इसमें बना रखी हैं। डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन ये आपके मैंने LI में डाल रखे हैं। और उसके बाद मैंने UL क्लोज किया है, फॉन्ट क्लोज, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। और आउटपुट आप इसका देखिए, ये मेरे बुलेट्स बन के आ गए हैं इसमें। ये हमारा UL का यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप एट्रीब्यूट्स। ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिस्क होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, इनका नाम हम डिफाइन करेंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएंगे। आप प्रोग्राम में देखिए, सीधे मैं बात करता हूँ UL की। UL टाइप सर्किल, LI इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट, इवेलुएट ये दिया हुआ है। तो इसका आप आउटपुट देखिए राइट हैंड पे, ये डिस्क बन के आ गया। देन हमने अगले प्रोग्राम में स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर बन के आ गया हमारा। सिंपल हमारा ये इसमें हो जाता है। इसमें ऑर्डर लिस्ट की हम बात करते हैं। इसमें हमारा OL होता है टैग हमारी, ये भी हमारी कंटेनर टैग होती है, यानी क्लोज करते हैं हम इसको भी। और इसमें हम जो अपना नंबर देते हैं वो हमारा नंबर शो हो जाता है। देखिए यहाँ कुछ दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। OL टाइप में अगर हमें ABCD की फॉर्म में लिस्ट बनानी है तो हम A डालेंगे OL टाइप में, स्मॉल में बनानी तो स्मॉल डालेंगे, रोमन अंक में डालना तो रोमन अंक हम यूज़ करेंगे, स्मॉल रोमन अंक, और ये 1 2 3 में हमारा इसको हम यूज़ करेंगे। वर्क UL और OL का सेम रहता है, बस नंबर का डिफरेंस है। वहाँ OL में हम 1 2 3 ABCD यूज़ करते हैं और UL में हम बुलेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्की टूल। मार्की टूल में हम बात करते हैं मार्की, हमारा ये भी हमारा कंटेनर टैग होता है। इसमें हमारा जो टेक्स्ट होता है वो मूवेबल टेक्स्ट होता है, जो टेक्स्ट हमारा मूवेबल होता है। इसमें हमारी डायरेक्शन होती हैं अपर, डाउन, लेफ्ट, साइड, ये हमारी डायरेक्शन होती हैं जिन पे हमारा टेक्स्ट मूव करता है। एक देख लीजिए यहाँ पे मार्की टूल इन्हें लगा रखा है। इसमें मार्की क्वाली लास्ट में देखिए लाइन में लगा रखा है, मार्की क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, मार्की क्लोज, छोटा सा देखिए, बहुत छोटा सा दे रखा टेक्स्ट आपको डाउन साइड में। ये राइट से एंट्री ले रहा है तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है आपका ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये हमारे इसमें टैग्स होते हैं, TR टेबल रो, TD टेबल डाटा, टेबल हेडिंग, ये इसमें हमारे टैग्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी HTML में टेबल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ दिया हुआ है टाइटल, हेड, बॉडी, बॉडी में अपना इन्होंने कलर डाल दिया, उसके बाद टेबल हमने क्रिएट किया, टैग टेबल, टैग TR यानी टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग में हमारा सीरियल नंबर, नेम, ग्रेड्स ये सब आ जाएंगे अपर साइड में। इसके बाद हमारा TR क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम TR स्टार्ट करेंगे यानी न्यू रो के लिए हम स्टार्ट करेंगे। तो TD टेबल डाटा 1 बिंदु A ये हमारा रो, एक रो में रिकॉर्ड हो गया हमारा। फिर TR हमने क्लोज किया, फिर TR हमने यूज़ किया, फिर 2 सेकंड ये हमारा सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड हो गया। फिर फाइनली हम अपना TR क्लोज करके टेबल कंप्लीट क्लोज करेंगे, देन बॉडी क्लोज, और यहाँ पे हमारा ये सिंपल टेबल की फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा।
सिंपल टेबल फॉर्म में। यहाँ पे कोई भी टेबल बॉर्डर हमने नहीं दिया है, आगे चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा आपको। यहाँ पे हमने कोई टेबल बॉर्डर नहीं दिया है। ऊपर देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेबल कमांड में टेबल बॉर्डर देता तो मेरे यहाँ पे बॉर्डर भी बन के आता रो एंड कॉलम की फॉर्म में, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैक्स, ये देखिए यहाँ पे आ गया है बॉर्डर, टेबल बॉर्डर की सिंटैक्स होती है, टेबल बॉर्डर कलर हमारा दे रखा है, बॉर्डर कलर हमारा होता है यहाँ पे ब्लू ग्रीन, और कोड भी हम दे सकते हैं। अब देखिए इसमें जब टेबल बॉर्डर, देखिए टेबल की कमांड में हमने टेबल बॉर्डर 3 और बॉर्डर कलर ब्लू दिया है, फिर हमने ये अपना एज यूजुअल जो वर्क हमने ऊपर किया था वही वर्क हमने फिर से किया। देखिए यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर भी आ गया है रो और कॉलम की फॉर्म में, और ये हमें सीरियल नंबर नेम और ग्रिड्स भी शो हो रहे हैं प्रॉपर वे में। बीजी कलर की हम बात करते हैं, द बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेबल, टेबल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए हम बीजी कलर का यूज करते हैं। इसकी सिंटैक्स आप देख लीजिए, टेबल बॉर्डर 3 बीजी कलर वाइट, यानी बॉर्डर कलर 3, बॉर्डर हमारा जो है वो 3 हो और बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर हमारा कैसा हो, वाइट। तो टेबल का बैकग्राउंड आप देख लीजिए वाइट है हमारा। नेक्स्ट अलाइन, ये हमारा कंटेंट के लिए होता है, जो हमारा कंटेंट है लेफ्ट साइड राइट सेंटर अलाइनमेंट हम अपना कंटेंट अंदर का चेंज कर सकते हैं। सेल पैडिंग हमारा, द स्पेस बिटवीन द सेल इज कॉल्ड सेल पैडिंग, ये हमारा दे रखा है देखिए, इसमें हमारा स्पेसिंग चेंज हो जाती है सेल की अंदर की, कंटेंट और सेल के बीच की हमारी स्पेस चेंज हो जाती है। और सेल स्पेसिंग की हम बात करते हैं तो ये देखिए हमारा सेल स्पेसिंग में इतने कितना ज़्यादा बढ़ गया, सेल हमारा बड़ा हो जाता है इसमें। और सेल मैं फिर बता देता हूँ आपको, सेल पैडिंग की हम बात करेंगे तो हमारा टेबल बाउंड्री और कंटेंट के बीच का स्पेस होता है, ये आपको दिखा रहे हैं बहुत छोटा सा। देखिए सीरियल नंबर का एस और टेबल बाउंड्री के बीच का जो स्पेस है वो हम अपना घटा बढ़ा सकते हैं, और सेल स्पेसिंग में हमारा सेल का स्पेस बढ़ जाएगा। हाइट एंड विथ की बात करते हैं तो हम इसमें अपना हाइट एंड विथ दे सकते हैं, ये हमारा पिक्सल्स में होता है 300-400 ही पिक्सल्स में होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। परसेंट के लिए आप 50% दे सकते हैं, तो हमारी ये टेबल की रो और हाइट चेंज हो जाएगी। एट्रीब्यूट्स ऑफ TR, TDN, TH टैक्स, एट्रीब्यूट्स हम देख लीजिए इसमें दिया हुआ है बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर, वो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये TH हमारी दे रखी है, टेबल हेडिंग है ऊपर येलो कलर की, हमने इसका कलर चेंज कर दिया TD में डाल के, येलो कर दिया बीजी कलर इसका, नीचे का हमारा वाइट रहा। ये इसमें कमांड्स हमारी दे रखी हैं, बहुत ईजी है, आप इसको सेम एक ही पैटर्न पर हम वर्क करेंगे, बस केवल हमें सिंटैक्स का याद रखना है कि हमारा टेबल बॉर्डर 1 होता है, यानी टेबल बॉर्डर हमारी कमांड होती है, बीजी कलर हमारी कमांड होती है, ये हमें बस याद रखना है। लिंकिंग द वेब पेजेस, यानी हाइपर लिंक हम बात करते हैं, यहाँ पे हाइपर लिंक हेडिंग हमारी है, हाइपर लिंक इसके लिए हम टैग ए को यूज़ करते हैं, एंकर टैग होती है हमारी ये, इसकी सिंटैक्स आप देख लीजिए AHREF, इसमें ए मींस हमारा एंकर टैग होता है, AHREF इक्वल डॉक्यूमेंट नेम, यानी हम अपना वो यहाँ पे फाइल देंगे जो हमारी फाइल हमें लिंक करनी है, और हाइपर टेक्स्ट लिंक यानी जिस टेक्स्ट से हमें अपनी फाइल लिंक करनी है वो हम यहाँ पे देंगे, और फाइनली हम अपना एंकर टैग क्लोज कर देंगे। एक देखिए ऊपर एक कमांड दे रखी है AHREF इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में result.html, ये हमारी फाइल है, इस फाइल को हम रिजल्ट पेज से लिंक करेंगे और अपना एंकर टैग क्लोज करेंगे, और हमारे नीचे कोडिंग हो रखी है इस तरीके से। हम अपना देखिए इसमें 2-3 ये भी दे रखी है AHREF, ये हमने एक साइड गूगल की साइड लगा दी है, और क्लिक हियर टू ओपन गूगल होम पेज, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट से लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल वाली साइड खुल जाएगी, ऐसे नीचे हमारा ये दे रखा है, ये देखिए क्लिक हियर टू ओपन गूगल होम पेज, जो मैंने ऊपर बताया था, ऊपर करेंगे तो हमारा ये 2N IN5 वाला ये पेज ओपन हो जाएगा। इंसर्टिंग इमेज की बात करते हैं, इसकी हमारी टैग होती है IMG SRC, और हमारी फाइल जो हमें डालनी है वो हमारा उसमें पार्ट डाल देंगे या URL डाल देंगे फाइल का, तो हमारी फाइल इंसर्ट हो जाएगी। और इसकी अलाइनमेंट आप देख लीजिए, इमेज अलाइन राइट होती है, इसकी विथ और बॉर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इसमें चेंज किया हुआ है। एक एग्जांपल आप देखिए, इसमें सबसे नीचे हम बात करते हैं, मिडिल में एक टैग दिया हुआ IMG SRC इक्वल इन्वर्ट कॉमा में एक फाइल का पाथ दे दिया, तो हमने ये हमारी फाइल जो हमारी इमेज थी वो JPG की वो ये आ गई है, और हमने सेंटर में किया था अलाइन में, तो अलाइन सेंटर इसका आ गया है हमारा, सेंटर हमने क्लोज कर दिया, तो ऐसे हमारी इमेजेस में सेट हो जाएगी।